बहुत ही कम जगह है जहाँ पर आपको खूबसूरती, परंपराएं, संस्कृति और धर्म एक साथ देखने को मिले। एक जगह है जो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। वो जगह वाकई बहुत खूबसूरत है, खुशहाल भी है और कार्बन फ्री भी है, यानी ना ही प्रदूषण है और ना ही कोई दुख दर्द। इस देश में आकर आप अपनी समस्याओं को भूल जाएंगे और खुशियों में डूब जाएंगे। सुंदरता इतनी कि देखते ही बनती है। और हाँ दोस्तों, ये देश बहुत ही खास है और भारत के बहुत ही नजदीक, पासपोर्ट या किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी से बहुत कोसों दूर, हर तरह के झंझट से दूर है ये देश। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एशिया के एक ऐसे खूबसूरत देश की सैर पर जहाँ पर आपको मिलता है कॉम्बो ऑफर। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा सफर जा रहा है एक बेहतरीन देश की सैर पर जिसका नाम है भूटान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, भूटान हिमालय पर बसा हुआ दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश जो एशिया में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये देश चीन और भारत के बीच स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये देश सैलानियों को कई रहस्यों से रूबरू भी कराता है। भारत के कई मिडिल क्लास फैमिली जब विदेश जाने के बारे में सोचते हैं तो अपनी जेब देखकर अपने मन को मार लेते हैं, लेकिन मन को मारने से पहले आपको एक बार भूटान के बारे में जरूर सुन लेना चाहिए और हमारी इस वीडियो को देख लेना चाहिए, क्योंकि भूटान बहुत सस्ता देश है दोस्तों। इतना भी सस्ता नहीं है, लेकिन हाँ, और देशों के मुकाबले तो सस्ता ही है, जहाँ आप आसानी से घूम सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और भूटान के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भूटान की हसीन वादियाँ आपको मन मोह लेती हैं। भूटान में कई ऐसी खूबसूरत पर्यटक स्थल है जहाँ घूमने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप भूटान जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन जगहों में जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। भूटान अपनी शानदार संस्कृति, ऊंचे पहाड़ और सुंदर घाटियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यही वजह है कि भूटान लोग आना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाखों पर्यटक भूटान खींचे चले आते हैं। इनमें बड़ी तादाद में भारतीय भी होते हैं। हर साल लगभग 2.5 से 3 लाख भारतीय भूटान जाते हैं। इनमें तकरीबन 20,000 लोग तो 3-4 दिनों के लिए ही जाते हैं, लेकिन जरूर जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो हर साल भूटान जाते हैं। हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जो 15 दिनों के लिए भूटान घूमने जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भूटान नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि कागजी प्रक्रिया बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा झंझट होगा। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम आपको उन प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे जिनसे आपको गुजरना होता है, और इसे जान लेंगे तो भूटान जाना और आसान हो जाएगा। इसी तरह की परेशानियां भी आपको झेलने को नहीं मिलेंगी। सबसे खास बात तो ये है दोस्तों कि हिमालय की पहाड़ियों से ढके हुए इस देश में आज भी राजा का कानून चलता है। उन्हीं के बनाए हुए नियम लागू होते हैं, लेकिन वहाँ भारतीयों को काफी पसंद किया जाता है। भारतीयों के लिए भूटान जाना वैसा ही है जैसे भारत के अन्य राज्यों में जाना, क्योंकि आपको ना पासपोर्ट चाहिए और ना ही वीजा। अगर आप सड़क मार्ग से जाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ एक जगह आपको रुकना होगा, ठीक उसी तरह जैसे टोल टैक्स पर रुकना होता है। बॉर्डर पर आपको इमिग्रेशन ऑफिस में परमिट बनवाना होता है। रोजाना सुबह 9 बजे ये दफ्तर खुलता है, लेकिन अगर आप वीकेंड पर जाने की सोच रहे हैं तो रुकिए। शनिवार और रविवार को भूटान सरकार ने पूरे देश में छुट्टी घोषित कर रखी है, इसलिए ये ऑफिस केवल सोमवार से शुक्रवार ही खुलता है। तो आपको वर्किंग डेज यानी कि वीकडेज में जाना होगा, नो हॉलीडे। आपको इन्हीं दिनों में जाना होगा और अपना परमिट बनवाना होगा। आप चाहे तो कोलकाता में बने भूटानी दूतावास से भी इसे बनवा सकते हैं, और इसी सेंटर पर आप भारतीय रुपयों को भूटानी रुपयों में तब्दील कर सकते हैं। बहुत सारे काम तो आप यहीं कर सकते हैं, या तो आप अपने ट्रेवल एजेंसी से खुद करवा सकते हैं। करेंसी और खाने पीने का कोई झंझट नहीं है। भूटान के लिए निकलने से पहले आपका वोटर आईडी कार्ड और फिर पैन कार्ड जरूर चेक किया जा सकता है। आपके पास आपकी आइडेंटिटी होना तो जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भूटान में आधार कार्ड की कोई मान्यता नहीं है, इसलिए अपना पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी रख सकते हैं। एक और खास बात, एक बार परमिट बन गया तो 15 दिनों तक आप भूटान में मस्त घूम सकते हैं। सबसे अच्छी बात, भूटान में भारतीय करेंसी चल जाती है, ये है। दोनों की करेंसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वहाँ के एटीएम से पैसे निकालने पर ट्रांजिट चार्ज देना होता है। इंडियन फूड खूब मिलता है, इसलिए खाने की भी कोई टेंशन नहीं है। आप खुद ड्राइविंग कर सकते हैं, इसलिए घूमने की भी टेंशन नहीं है, और इसके लिए आपको बड़े आराम से परमिट भी मिल जाता है। सिलीगुड़ी से आप बाइक लेकर खुद भी जा सकते हैं, कई ट्रेवल एजेंसियां ये मुहैया कराती हैं दोस्तों। भूटान जाने के लिए नजदीकी स्टेशन हासेमारा है।
भारत का भूटान से नजदीकी एयरपोर्ट बागडोगरा है और यहीं से टैक्सी रिजर्व कर आप दार्जिलिंग और गैंगटॉक या फिर भूटान जा सकते हैं। दोस्तों, भूटान इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि ये कार्बन फ्री कंट्री है, यानी कि यहाँ पर नो पॉल्यूशन, और ये एक खुशहाल देश भी है। यहाँ लोग काफी खुश रहते हैं, इसीलिए इस देश ने परमिट को अलाउ कर रखा है, जैसे कि बहुत ज्यादा भीड़ इनके देश में एंटर ना करे। जो लोग भी आए वो अच्छे आए और चीजों को समझने वाले आए, इनके नियम कानूनों को माने। और यहाँ की खूबसूरती भी कुछ कम नहीं है। खूबसूरती के मामले में ये देश दुनिया को बहुत पीछे छोड़ चुका है। तो चलिए दोस्तों, आपको इसके कुछ टूरिस्ट प्लेसेस घुमाते हैं। दोस्तों, ये है भूटान का थिम्पू। हिमाचल की ऊंची पर्वतमालाओं में बसा थिम्पू भूटान की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी। रेदक नदी के तट पर स्थित ये शहर प्राकृतिक दृश्य और पर्वत चोटियों से घिरा है। ये भूटान के एक ऐसे शहर को दर्शाता है जो संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। दिलचस्प बात तो ये है कि दुनिया के एकमात्र ये ऐसा शहर है जहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं है। ये शहर अपनी संस्कृति और पुराने विश्व आकर्षणों को भी बरकरार रखे है। दुनिया का सबसे आकर्षक शहर के रूप में इसे जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, ये है पारो। पारो भूटान में स्थित सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत जगहों में से एक है, जो हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ है। ये शहर भूटान की राजधानी शहर थिम्पू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पारो प्राचीन काल से ही भूटान में बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है, जिसमें से कुछ 14वीं शताब्दी का है। पारो एक ऐतिहासिक शहर भी है दोस्तों, जो कई पवित्र स्थलों और ऐतिहासिक इमारतों से सजा हुआ है। ये स्थान भूटान में घूमने के लिए सबसे अद्भुत जगहों में से एक है और अपनी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, आधुनिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये है टाइगर्स नेस्ट। टाइगर नेस्ट भी इसे आप कह सकते हैं। टाइगर नेस्ट भूटान के लिए एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, जिसे तख्त सांग मठ भी कहा जाता है। ये गुरु रिनपोचे के भव्य और पवित्र मठ के लिए जाना जाता है। इसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। ये स्थान भूटान का सबसे धार्मिक स्थान है और ये चट्टान पर लटका हुआ जैसा है, क्योंकि ये रोडोड्रैगन और ब्लू पाइन की हजारों प्रजातियों के हरे भरे जंगलों के ऊपर खड़ा है। इसी वजह से इसकी गिनती भूटान के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों की सूची में होती है। यदि आप भूटान की यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ जरूर जाइएगा दोस्तों। और दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं, जिसमें से एक है पुनाखा। भूटान की राजधानी थिम्पू से लगभग 70 किलोमीटर दूर है पुनाखा। जी हाँ, पुनाखा में घूमने के लिए बहुत कुछ है। 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पुनाखा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, स्वच्छ वातावरण के लिए जाना जाता है और बौद्ध संस्कृति और भूटानी परंपराओं के साथ पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। पुनाखा भूटान देश के कभी राजधानी हुआ करता था, लेकिन आज ये शहर भूटान के इतिहास की सबसे खूबसूरत धरोहर है। जलवायु और भरपूर सुंदरता आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आई होप दोस्तों, भूटान का ये सफर देखकर आपका भी मन कर रहा होगा भूटान जाने का, और अगर आप भूटान जा चुके हैं तो दोबारा जाने का भी मन कर रहा होगा। आप यहाँ कब जा रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।